दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको पड़ती है। बहुत सारे कमेंट्स, क्वेश्चंस इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में हमें मिल रहे थे कि हमें बताइए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए। तो मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दे रहा हूँ, बहुत सारे लोगों की क्वारीज, क्वेश्चन का हल निकल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। चलिए दोस्तों, आपको बताता हूँ इस वीडियो में कि आपको एक नए लर्निंग लाइसेंस आप बनवाने के लिए जाते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको आरटीओ में लेके जाना है या फिर ऑनलाइन आपको लगते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये बता दूं कि आपको इस वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करना है, इस वीडियो को लाइक करके ही जाइए और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, साथ ही साथ हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। दोस्तों, एक लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको आवेदन ऑनलाइन करना है। आपको पता होना चाहिए कि जो नया अमेंडमेंट हुआ है उसके हिसाब से आवेदन करने का जो नियम है दोस्तों वो ऑफलाइन अभी हटा दिया गया है, आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन दोस्तों उसमें आपको कुछ लगते हैं, एप्लीकेशन देना पड़ता है जो फॉर्म्स के रूप में होते हैं, वो आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर न्यू ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग लाइसेंस, सबसे पहला दोस्तों ये है कि यहाँ पर आपको देना पड़ेगा फॉर्म नंबर 2। एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 2 में ही आवेदन आपको करना है, ये आप नोट कर लीजिएगा। तो फॉर्म 2, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, फॉर्म 1 जो कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1A, ये सभी फॉर्म्स दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूंगा या फिर आप बोलेंगे तो इंस्टाग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पर कोई इजीक्स लगे वहाँ पर हमसे डिमांड कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स आपको देने पड़ेंगे, 3 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स आपको तैयार रखते हैं अपने। ऑनलाइन आवेदन करते हैं आधार EKYC के माध्यम से, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स नहीं देने पड़ेंगे, फोटोग्राफ्स वगैरह, जो आधार कार्ड में फ़ोटो होती है वही आपको फिच करके ड्राइविंग लाइसेंस में ले लिया जाता है। तो अगर आपके स्टेट में दोस्तों ऑटोमेटिक ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करने के लिए जो EKYC के माध्यम से सुविधा आ गई है, तो आप अपने उस माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों डॉक्यूमेंट्स में जो और डॉक्यूमेंट्स हैं वो है फ़ीस, प्रिस्क्राइब्ड फ़ीस, जो लर्निंग लाइसेंस की आपके स्टेट में जो भी फ़ीस है वो देनी पड़ेगी, एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। ध्यान रहे दोस्तों कि आधार EKYC के माध्यम से अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो आपको एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपके आधार कार्ड के माध्यम से ही आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस ऑटोमेटिक फेच कर दिया जाता है आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर। ध्यान रहे कि आधार EKYC के माध्यम से आवेदन करने पर आप दोस्तों कोई भी संशोधन अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, एज इट इज ड्राइविंग लाइसेंस में वही डिटेल्स आएंगे जो आधार कार्ड में एज इट इज मौजूद हैं। तो CMVR 1989 में दोस्तों सेंटर मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के अंतर्गत जो सेक्शन हमारा रूल है, रूल नंबर 4, वह क्या कहता है कि एड्रेस प्रूफ और एज प्रूफ में आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स रहता है कि क्या हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, एक हमारे पास स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है, किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, तो हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। तो एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ में CMVR जो कहता है, यानी सेंटर मोटर व्हीकल रूल नंबर 4, उसके अंतर्गत दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट्स का नाम बताया गया है, उस डॉक्यूमेंट में आपको बता देता हूँ एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ में क्या क्या आप दे सकते हैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए। तो सबसे पहला दोस्तों आपको क्या देना है, आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उससे बेहतर आईडी कोई नहीं हो सकती, आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड आप दे सकते हैं, दूसरा हमारा जो है पैन कार्ड है। उसके बाद दोस्तों तीसरा है इलेक्टोरल रोल यानी कि मतदाता सूची, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आप दे सकते हैं आपके पास अगर है तो, पासपोर्ट दे सकते हैं अगर आपके पास है तो, पासपोर्ट तो इंडिया की सबसे बड़ी जो है वो आपके पास आईडी प्रूफ आपका होता है, पे स्लिप, सैलरी स्लिप जो भी आप चाहें उसको बोल सकते हैं, वो पे स्लिप भी आप उसको बोल सकते हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों स्कूल का सर्टिफिकेट, 10th पास का आप अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो भी काफ़ी बेहतर आईडी मानी जाती है आपके एज प्रूफ के लिए, तो वो भी आप दे सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप चाहें तो बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं एज प्रूफ के लिए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट जो हैं जो रूल नंबर 4 में मेंशनड हैं वो मैं आपको बता दिया। अगर इनमें से भी आपके पास कोई नहीं, आप नए नए स्विच करके किसी राज्य में गए हैं तो क्या करेंगे, तो आपको नए लाइसेंस बनवाने के लिए अगर आपके पास इनमें से कुछ नहीं है तो आप जाएंगे रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर के पास, जो कि सिविल सर्जन के रैंक से कम का अधिकारी ना हो, उसके द्वारा निर्गत किए गए एक आयु प्रमाण पत्र बनवाएंगे, वहां से आपको एज डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा, उस एज डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ में आयु प्रमाण पत्र लगाएंगे तो आप एज प्रूफ आपका माना जाएगा नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। अगर आपके पास
एड्रेस प्रूफ नहीं है तो क्या करेंगे, एड्रेस प्रूफ के लिए आप एक नोटरी जारी करवाएंगे, उसमें आपका एड्रेस पूरा मेंशन होना चाहिए और वह नोटरी दोस्तों एक एसडीएम और डीएम के द्वारा वेरीफाइड होनी चाहिए। एसडीएम या फिर डीएम के द्वारा वेरीफाइड अगर होगा तो वह आपका एड्रेस प्रूफ मान लिया जाएगा आरटीओ ऑफिस में। तो आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको यह भी बता दिया अगर आपको इन जो मैंने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताई जो कि CMBR 1989 के रूल नंबर 4 में मेंशनड हैं वो भी नहीं है, तो फिर आप कैसे एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ बनवा पाएंगे? समझ में आ गया आपको? अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछें। आपके मन में कोई भी डाउट हो, पर्सनल बातचीत या सुझाव भी देना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर जुड़ कर दे सकते हैं, @TechnicalOlogy इंस्टाग्राम का हैंडल है, @TechnicalOlogy ट्विटर पर भी अवेलेबल है, वहाँ पर भी आप जुड़िए, बात करिए, आपकी समस्याओं को गवर्नमेंट अभ्यर्थी तक पहुँचाते रहते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि सर्कुलर PDF गवर्नमेंट अभ्यर्थी के आपको मिलते रहें समय पर। साथ साथ हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो इस वीडियो को तो लाइक जरूर से जरूर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ छोटे से लेकर बड़ी अपडेट्स ट्रांसपोर्ट सेक्टर की आपसे फ्यूचर में मिस ना हो। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूँ नए वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।